बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं वाजिद अली कंबो आपका केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट एन एम डी कैट केमिस्ट्री और आज उसमें हम यूनिट टू अटामिक स्ट्रक्चर इसको डिस्कस करने चाह रहे हैं आज मैं आपको ना बुनियादी तौर पर दो चीज़ें समझाऊंगा एक तो मैं आपको पॉजिटिव रेज आई मीन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसके बारे में और फिर मैं आपको क्वांटम नंबर और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें इस यूनिट का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव रेस आई मीन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं ना तो ये एक्सपेरिमेंट जो था ना दिस एक्सपेरिमेंट वाज दिस एक्सपेरिमेंट वाज डिस्चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले सबसे पहले 1886 में यूजीन यूजीन गोल्ड गोल्ड स्टीन ने परफॉर्म किया मैं का आपको बात बताता चलू यूजीन गोल्ड स्टीन से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था लेकिन पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो हम यूजीन गोल्ड स्टीन को देते हैं अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये बाद की बात है उसको हम बाद में देखेंगे तो मैं पॉजिटिव रेज इसकी तरफ आता हूं स्टूडेंट ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है इट इज मेड अप ऑफ ग्लास ये ग्लास ग्लास कहते हैं शीशा शीशा ये ग्लास की बनी हुई है ये शीशे की बनी हुई है एक होता है शीशा एक होता है शीशा तो मैं ग्लास की बात कर रहा हूं दिस डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास यहां पर हमारे पास एक एक परफोरेटेड प्लेट है परफोरेटेड जिसके अंदर सुराख है दिस वन इज अ परफोरेटेड प्लेट इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो दिस इज कार्ड इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज इट एक्ट एज अ कैथोड सो दिस इज कैरिजेटेड परफोरेटेड परफोरेटेड कैथोड ये परफोरेटेड कैथोड है सिमिलरली हमारे पास एक और यहां पे इलेक्ट्रोड है इट इज कनेक्टेड टू इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इट कैरी द पॉजिटिव चार्ज और हम इसे कहेंगे दिस इज द एनोड, एनोड ये ये हमारे पास एनोड आ गया। जो हम बैटरी यूज करते हैं, दिस वन इज़ हाई हाई सोर्स वोल्टेज और इसकी वोल्टेज 5000 से लेकर 10000 थाउजेंड तक होती है अब यहां पे एक साइड ट्यूब है साइड ट्यूब विच इज विच इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप वैक्यूम पंप ये उसके साथ कनेक्ट है अब आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कोई भी सैंपल ले सकते हैं आप सैंपल के तौर पर आप एयर ले सकते हैं, आप वाटर वेपर्स ले सकते हैं, वाटर वैपर्स आप आप कोई भी गैस ले सकते हैं। आप हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं आप हीलियम गैस ले सकते हैं नाइट्रोजन ले सकते हैं ऑक्सीजन ले सकते हैं कोई भी गैस यानी हैव द गैश सैंपल अपने गैस्ट्रो सैंपल सारी मैं आपको बता रहा हूं ना बातें ये सारी बातें आप कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें भी यही सारी बातें उसमें उसमें सिर्फ उसमें और इसमें फर्क क्या है यहां जो हम कैथोड यूज कर रहे हैं वो परफोरेटेड है वो छाननीदार है उसमें सौराख है उसमें कैनल्स हैं अब 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 कोई एक इसमें से मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं ये ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर ये हाइड्रोजन का एक एटम है ये एटम है ये हाइड्रोजन का एक और एटम है ये हाइड्रोजन का एक और एटम है ये हाइड्रोजन का एक और एटम है, है। हाइड्रोजन के, के, के एटम के अंदर एक प्रोटॉन बाहर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन जिसकी वजह से प्लस बाहर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर एक इलेक्ट्रोन दीज आर हाइड्रोजन एटम्स अगर आप हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर नॉर्मल प्रेशर पर लेंगे आई मीन सेवन सिक्सटी टॉर पे तो मालिक्यूल्स की तादाद इतनी ज्यादा होगी इतनी ज्यादा होगी कि वो कंडक्शन में रुकावट पैदा करेंगे आप क्या करते हैं आप वैक्यूम पंप की मदद से ना यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं असल मेरी बात को तो सुनना मैं पॉइंट जरा सुनना होता वाला क्या है जब आप इसको कैथोड को और एनोड जब आप इन्हें बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन ने एनोड की तरफ जाना होता है उन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए दे नीड द कंडक्टिंग मीडियम उन्हें कंडक्टिंग मीडियम देते हैं अब अगर हम नॉर्मल प्रेशर पर एयर को ले या हाइड्रोजन गैस को नॉर्मल प्रेशर टॉर पर तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल या एटम की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में रुकावट पैदा करेंगे फिर क्या किया जाए आप हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल या एटम की तादाद कम करो जब आप हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कम करते जाएंगे तो इसके अंदर हाइड्रोजन का प्रेशर रिड्यूस करता जाएगा यहां तक के जब इसके अंदर प्रेशर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पॉइंट जीरो वन टॉर या इससे भी कम हो जाए तो अब क्या होगा अब कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएगा जब टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा अब आ, जब एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो केमिस्ट्री में हम टर्म बोलते हैं इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन ने जो कैथोड से निकला जिसने एनोड की तरफ जाना है इसकी इन एटम पर बंबारमेंट हुई इस इलेक्ट्रॉन ने गैश एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हुई अब यह इलेक्ट्रॉन इससे भी टकराया इसकी भी आयोनाइजेशन इसकी भी आयोनाइजेशन इसका मतलब है आपके पास जो गैश सैंपल है उसमें मेजोरिटी एटम्स या मॉलिक्यूल की हुई अब के नतीजे में दो चीजें हासिल हुई एक ये इलेक्ट्रॉन हासिल हुई ये इलेक्ट्रॉन और ये ना, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ चल पड़ते हैं बाकी जो एटम का हिस्सा बचा उसे मैं कहूंगा पॉजिटिव आइन पॉजिटिव आइन जब न्यूट्रल एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वी हैव द पॉजिटिव आइन कैट पॉजि आइन तो बाकी जो कैटाइन बचेंगे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो कैथोड की तरफ जाएंगे इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ हमारे पास दो किस्म की रेज प्रोड्यूस हुई वो रेज जो कैथोड से एनोड की तरफ आती है जो इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है उनको हम कहते हैं दे आर द कैथोड रेज कैथोड रेज और और वो रेज जो कैटाइन पर मुश्तमिल है जो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हैं, उनको हम तीन नाम देते हैं उनको हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं ड्यू टू तो हैविंग द पॉजिटिव चार्ज उनको हम उनको हम एनोड रेज भी कहते हैं क्योंकि इधर को जाने वाली कैथोड रेज उनके अपोजिट आने वाली एनोड रेज और तीसरी बात हम इन रेज को कैनल रेज भी कहते हैं क्यों कैनल रेज क्यों कहते हैं क्योंकि अगर आप इस परफोरेटेड कैथोड को उठाओ ना इसके सुराख आपको कैनल्स नालियों की तरह नजर आते हैं। और ये इसमें से पास कर जाती है एक बड़ी खूबसूरत बात बहुत अहम बात नोट करना ये ये डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी हुई ग्लास की ये जो कैथोड रेज हैं ये जब यहां पे स्ट्राइक करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब से जब डिस्चार्ज ट्यूब की वाल से कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तो ग्रीनिश ग्रीनिश फ्लोरिस प्रोड्यूस होती है और जब पॉजिटिव रेस इन कैनल से पास करके यहां पे टकराती हैं तो रेडिश फ्लोरिस प्रोड्यूस होती है ये जेन में ये 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 में रखना नुकता मैंने आपको दे दिया अब जरा एक और बात ए, एक, एक छोटी सी बात वो बोला क्या जेर में रखती है मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं एक लफ्ज होता है पार्टिकल एक लफ्ज होता है रे रे पार्टिकल जर्रा जर्रा रे बेटा जी टेक्निकल तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस होगा ना मैं तो सिर्फ अपने मतलब की बात पे करूंगा मैं तो आपको यह बात समझाने की कोशिश करूंगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे मूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूटर रे एंड रेज कार्ड कैथोड रे कैथोड रे अगर मैं कहूं रेज किन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैथोड रेज अब दूसरी बात दूसरी चीज क्या है यह पॉजिटिव आइन जिसे आपने कैटाइन कहा ये एक ये एक पार्टिकल है यह कैटाइन है ये एक पार्टिकल है यह कैटाइन है ये एक पार्टिकल है जब ये कैटाइन मूव करते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द पॉजिटिव पॉजिटिव तो किस पर मुश्तमिल है कैटाइंस पर पॉजिटिव आइंस पर और अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव रे का पार्टिकल क्या है तो पॉजिटिव रे का पार्टिकल क्या है कैटाइन है पॉजिटिव आइन है ये कुछ बातें आपने जेन में बिठानी स्टूडेंट ये जो मैंने आपको इतना बताया ना इसमें सिर्फ मैंने आपको जो मेन बात बताई कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर साइमल्टेनियसली पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस होती है कैथोड रेज भी एक ही वक्त में दोनों किस्म की रेज प्रोड्यूस होती है कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले पॉजिटिव रेज दे कंसिस्ट ऑफ कैथल अब अब ये तो एफएससी थी हम ना थोड़ा सा और एफएससी थोड़ा सा और को खंगालते हैं हम ना प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज की तरफ आते हैं पॉजिटिव रेज इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं पॉजिटिव रेज की तरफ अब जरा सुनना गौर से पॉजिटिव की रेज की प्रॉपर्टीज तीन चार हैं वो आपको आनी चाहिए वो सिंपल सी हैं कि पॉजिटिव रेज इनको पॉजिटिव रेज क्यों कहते हैं पहले तो ये बात है अपना कि जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाते हैं दे बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इट शोज दैट दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इनको पॉजिटिव रेज कहते हैं और ये मैंने ना इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन की बात कर दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन की बात आपको बता दी एक और बात ये इसके अंदर प्रोड्यूस होती है जब कैथोड रेज भी प्रोड्यूस होती है और ये कैथोड रेज के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है यानी दूसरी बात ट्रेवल ट्रेवल इन डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट टू ये ये आपको पता इसलिए मैं तेजी से लिख रहा हूं अपोजिट टू कैथोड रेज एक और चीज एक और चीज और वो है एक लफज एक कंपाउंड जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड इज अ ब्लैक मैटर आप कह लो ये ब्लैक पेंट है पेंट आपके पास ना एक सरफेस है कोई स्टिप है कोई प्लेट है आप इस सरफस के ऊपर जिंक सल्फाइड का पेंट कर दें। इसका ना, इसकी जो बेस है ये जो सरफस है ये ब्लैक हो जाएगी डार्क ब्लैक दिस वन प्लेट इसका मतलब हुआ आम सरफस के ऊपर जब आप जिंक सल्फाइड को पेंट कर देते हैं दैट बिकम्स फोटोग्राफिक प्लेट अब ये जो तो पॉजिटिव रेज है जब ये फोटोग्राफिक प्लेट से टकराती है यहां पे आके यहां पे टकराती हैं दे प्रोड्यूस द फ्लैश चमक पैदा करती है मैंने यहां पे क्या कही ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब से टकराएंगी तो रेड फ्लोरिस और कैथोड कैथोर स्ट्राइक करेंगी तो ग्रीनिश फ्लोरिस लेकिन अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगी तो ये फ्लैश चमक पैदा करेगी ये सारी एफ एस थी मैंने समराइज करके आठ दस मिनट में आपको बताया नाउ वी स्टार्ट द एंटी टेस्ट अब हम टेस्ट की तरफ आते हैं एंटी टेस्ट हमें क्या कहता है में ना पहले मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं हाइड्रोजन स्टूडेंट मेरे पास ना ये डिस्चार्ज ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब मैं रफसा बनाता हूं। मैं इसमें अब हाइड्रोजन गैस को बतौर सैंपल लेता हूं मैं हाइड्रोजन का एक एटम बनाऊंगा ये हाइड्रोजन का एक एटम है

खरबों के खरबों ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस हाइड्रोजन एटम होते हैं और उन एटम में से ज्यादातर की आयोग होती है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द कैथोड रेज यानी हाइड्रोजन गैस को जब आप लेते हैं तो आपके पास जो कैथोड रेज बनती है कैथोड रेज कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल हैं अब दूसरी बात एटम का जो बकिया हिस्सा बचा जिसे आप कैटाइन कहते हैं ये कैटाइन सिर्फ एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है और उस न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है सिर्फ एक प्रोटॉन है इसका मतलब है कि इस सूरत में जो पॉजिटिव रे पार्टिकल है ना पॉजिटिव पॉजिटिव रे पॉजिटिव रेस जो बनती हैं, वो जिस पार्टिकल पुष्टमिल है जिसे हम पॉजिटिव आइन कहते हैं जिसे हम कैटाइन कहते हैं दैट इज एक्चुअली आ प्रोटॉन वो एक प्रोटॉन है वो एक एक तो फिलहाल आप मेरी बात को यहीं तक रखें अब मैं एक और काम करता हूं अब मैं ऑक्सीजन को ले लेता हूं ऑक्सीजन मुझे पता है कि ऑक्सीजन ओ टू है मुझे पता है कि ऑक्सीजन ओ डबल बॉन्ड ओ है मैं ना आपको समझाने की खातर सिर्फ इसे डिस्चार्ज ट्यूब में आपको समझाने की खातर डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ एक एक ऑक्सीजन का एटम लेता हूं अब जरा सुनना ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में जरा मुझे ये बड़े साइज का आइटम बनाना पड़ेगा और वो डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर निकल जाएगा लेकिन आप इसको समझो ना इसमें प्रोटॉन एट है न्यूट्रॉन एट है दो इलेक्ट्रॉन की शेल में और सिक्स इलेक्ट्रॉन एल शेल में दिस वन इज ऑक्सीजन एटम मैं एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं डिस्चार्ज ट्यूब में चाहे आप इतने प्रेशर पर भी ऑक्सीजन गैस लें उसमें खरबों के खरबों एटम्स ए खरबों के खरबों एटम्स ए मैं तो एक समझाने के लिए था। अब हुआ क्या होता यह है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन आया जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था उस इलेक्ट्रॉन की इस एटम पर बम्बार मीट हुई और उस इलेक्ट्रॉन ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया यह पहले एटम था यह एटम था जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया नाउ इट बिकम्स द दैटॉन वो जो इलेक्ट्रॉन निकला यह तो मैं एक एटम से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बहुत सारे एटम्स उनसे इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं कैथोड रेज यानी जब आप हाइड्रोजन गैस को यहां पर लेते हैं तो जो कैथोड रेज है दूसरी बात जो पॉजिटिव रे है पॉजिटिव रे वो पॉजिटिव रे किस पर कंसिस्ट करती है वो इस कैटाइन पर इस कैटाइन पर ये जो पॉजिटिव आइन पर पॉजिटिव आइन कैटाइन पर कैटाइन कैटाइन पर और ये जो कैटाइन है इसकी कंपोजिशन क्या है इस कैटाइन में प्रोटॉन एट है न्यूट्रॉन एट है जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन सेवन हैं ये कैटाइन है जिस पर पॉजिटिव रेज कंसिस्ट करती है अब अब ये जो दो बातें मैंने आपको समझाई है ना अगर ये आपको बार समझ आ गई ना तो मैं समझूंगा मेरी ये पूरी कोशिश है ये सूदबन साबित होगी अब जरा पहली बात पहला पॉइंट पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाऊंगा ना वो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप ना डिस्चार्ज ट्यूब में जो मर्जी गैस ले लें आप हाइड्रोजन ले, ले लें आप ऑक्सीजन ले लें गैस वाटर ले लें एयर ले एनी, एनी गैश सैंपल आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में लें तो कैथोड विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एनी सैंपल कैथोड रेज कैथोड रेज हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है इलेक्ट्रॉन्स पर हम कैथ ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना ये भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो तो कैथोड इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स एक ही बात है तो अब दूसरी बात आ गई दूसरा पॉइंट इसी के अंदर ही वो पॉइंट है अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं तो पॉजिटिव रे सिर्फ एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल है जब मैं ऑक्सीजन को यहां पर लेता हूं तो फिर जो पॉजिटिव रे है वो सिर्फ एक प्रोटॉन पर नहीं मुश्तमिल वो एक कैटाइन पर मुश्तमिल है जिसकी कंपोजिशन ये है मतलब मतलब ये है कि अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में नेचर ऑफ गैस चेंज करते जाएंगे तो पॉजिटिव रे की नेचर भी चेंज हो जाती है तो सेंटेंस क्या याद करना है द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द रेजिडुअल गैस आपने कौन सी गैस इसमें यूज की है डिफरेंट गैसेस डिफरेंट किस्म की पॉजिटिव रेज आएंगे लेकिन डिफरेंट गैसेस हमेशा एक ही किस्म की कैथोड रेज आएगी एक तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया एक और पॉइंट स्टूडेंट ये एक रफ्त होता है ये, ये आप मेरे ना दूसरे पॉइंट की तरफ आप आ जाओ दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको याद करवाना ना वो है ई ओवर एम रेशो अब ई e क्या है ई e है चार्ज एम क्या है एम है मैस तो ओवर e एम चार्ज टू मैथ रेशो अब अब आप इस बात को जरा समझना चार्ज टू मैथ रेशो अच्छा मुझे यह बताना मैस नीचे है अगर मैस कम होगा अगर मैं उर्दू में लिखूंगा अगर अगर मैस कम होगा इट्स ओके हो अगर मैस कम होगा तो ओवर एम रेशो ज्यादा होगी ये ये नुक्ता मेरा आपने जिन में रखना है अब इस नुक्ते को मैं अप्लाई करता हूं अप्लाई कैसे करता हूं आप ना सिर्फ हाइड्रोजन गैस पे अपनी बात को रखो सिर्फ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस को आप जब डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो आपके पास जो कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज बनती है इन रेज की ईओवरएम वैल्यू को कंपेयर करो इन रेज की ईओवर एम वैल्यू को कंपेयर करने का इनडायरेक्ट मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की ईओवरएम वैल्यू को कंपेयर करो तो आप क्या करो आप ये ले लो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन आ गया आप ये ले लो प्रोटॉन ये प्रोटॉन आ गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैं इन दोनों की ई ओवर एम वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं इनडायरेक्टली मैं हाइड्रोजन गैस की सूरत में कैथोड रेस पॉजिटिव रेस की ओवर एम वैल्यू को कंपेयर कर ई ओवर एम वैल्यू को कंपेयर करने के लिए आप दोनों पे पहले चार्ज देखे चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना उसकी वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स जीरो टू टू पावर माइनस नाइनटीन में रखना ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो भी इतना ही है क्या मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसका मैग्नीच्यूड सेम है एक जितना ये हम सिंपली बोला क्या कहते हैं हम कहते थे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हम माइनस ले लेते हैं और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको हम प्लस ले लेते हैं अब ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ना ये वैल्यू बार बार नहीं लिखी जाती हम इस सारी वैल्यू को कहते हैं ये यूनिट चार्ज है यूनिट और हम इस सारी वैल्यू को प्लस वन लिखते हैं जब आपके पास लिखा होता है ना एन ए प्लस वन तो इसका मतलब है 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 कि सोडियम आयन के ऊपर जो चार्ज वो इतना है। इतनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं यूनिट चार्ज यूनिट और अगर आप लिखा हो ना एम जी टू प्लस इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि मैग्नीशियम एटम के ऊपर जो चार्ज है वो इसका डबल है इसी तरह जब हम कहते हैं सीएल नेगेटिव डज इट मीन इट के क्लोराइड आइन के ऊपर जो चार्ज है जो नेगेटिव है उसका मैग्नीट्यूड इतना है और वो ये, ना, वन ये, वन ये तो इतना चार्ज जो ना माइनस वन वन माइनस मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है तो फिर चार्ज ई ये तो डिसाइड नहीं करेगा वैल्यू फैसला किसके पास चलागा मैस के पास अब अगर मैस कम है तो ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा होगी इन दोनों में से आप मैथ देख लो किसका मैस कम है स्टूडेंट अगर आप दोनों के मास को कंपेयर करो ना तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटोन के मास से एटीन टाइम्स कम है इलेक्ट्रॉन हल्का है प्रोटॉन हैवी है कितना हैवी है 18 मैं मैं यू कह सकता हूं कि प्रोटॉन इज एटीन थर्टी सिक्स टाइम्स मैं यू भी कह सकता हूं कि एन इलेक्ट्रॉन इज 1836 थर्टी सिक्स टाइम्स लाइटर देन प्रोटोन इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मैस कम है अगर इलेक्ट्रॉन का मैस कम है तो इलेक्ट्रॉन की ओवर एम वैल्यू ज्यादा होगी तो हम बात को क्या मुख्तर करेंगे कि अब आप हाइड्रोजन गैस को यहां पे लेंगे तो जो कैथोड रेज है इनकी ओवर एम वैल्यू पॉजिटिव रेज की निस्बत एटीन थर्टी सिक्स टाइम ज्यादा है क्यों ज्यादा है क्योंकि कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मैस कम है हाजा उसकी ओवर वैल्यू ज्यादा हो अब अगली बात पे ये ये पहला मैंने आपको ये ये दूसरा पॉइंट बता दिया अब तीसरे पॉइंट पे आना ये एंटी टेस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं तीसरे पॉइंट पॉइंट पे आना तीसरा ये ये है कि अब आपने ना पॉजिटिव रेज को कंपेयर करना है ये पॉजिटिव रेज अब हाइड्रोजन गैस को जब ने लिया तो पॉजिटिव रेज एक प्रोटोन पर मुश्तमिल है जब आपने ऑक्सीजन गैस को लिया तो पॉजिटिव रेज इस कैटाइन पर मुश्तमिल है साफ जर ये एक प्रोटॉन यहां आठ प्रोटॉन आठ न्यूट्रॉन सात इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है इसका मैस इससे बहुत ज्यादा है अच्छा अब ये जो तो प्रोटॉन है प्रोटॉन है ये इस पर चार्ज प्लस वन अब अब जरा गौर से सुनना कैथोड रे से जो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव रे बनी वो एक प्रोटॉन है और ऑक्सीजन आक, से जो पॉजिटिव रे बनी वो एक कैटाइन है कैटाइन है जिसमें प्रोटॉन एट है न्यूट्रॉन एट है इलेक्ट्रॉन सेवन है चार्ज प्लस वन अब आपने काम क्या करना है आपने इस प्रोटॉन को और इस कैटाइन को दोनों की वैल्यू को आपने कंपेयर करना है तो पहले मैं क्या देखूंगा चार्ज इस पे चार्ज प्लस वन इस पे चार्ज प्लस वन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो अब फैसला कौन करेगा मैस अब जिसका मैस कम होगा उसकी ओवर एम वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब है प्रोटोन का मैस कम है और इस कैटाइन का मैस ज्यादा है तो इसकी ओवर एम वैल्यू मतलब क्या बना हाइड्रोजन गैस की सूरत में जो पॉजिटिव रे बनती है उसकी ई ओवर एम वैल्यू बाकी से ज्यादा होती है मैं मैं एक आपको बात करता हूं ये आपके पास एक है हाइड्रोजन है आपके पास हीलियम है आपके पास नाइट्रोजन है एंड टू में कह रहा हूं नाइट्रोजन है आपके पास आपके पास ऑक्सीजन है आपने ये फोर डिफरेंट गैसेस आप ट्यूब में लेते हैं अब अब हर एक गैस से पॉजिटिव रे बनती है मेरा सवाल है कि किस गैस की पॉजिटिव रे की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो सब गैसेस से जो पॉजिटिव रे बनेगी यानी जो पॉजिटिव रे पार्टिकल बनेगा उस पर चार्ज तो प्लस वन है। तो फैसला फिर कौन करेगा मैस इसमें इन चारों में जिस गैस का मैस कम होगा उसकी ओवर वैल्यू सबसे ज्यादा होगी आप जानते ना कि हाइड्रोजन का मैच जो है वो टू होता है हीलियम का फोर होता है नाइट्रोजन ट्वेंटी होता है ऑक्सीजन थर्टी टू होता है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिव रे बनेगी उसकी ओवरम वैल्यू सबसे ज्यादा और ऑक्सीजन गैस से जो पॉजिटिव रे बनेगी उसकी ओवरम वैल्यू सबसे कम होगी ये आप इस नुकते से आखिरी बात आखिरी बात ये जो मैंने आपको बातें बताई है ये मुख्तु एमसीक्यूज हैं जो एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं आखिरी बात ये जो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा ना एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट बात परफॉर्म हुआ हैोल्ड स्टीन इन एटीन एटी सिक्स तो जो पॉजिटिव रेज है पॉजिटिव रेज पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट आप यूजीन गोल्ड स्टीन को दे दें लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन इसका क्रेडिट आप इसको नहीं दे सकते डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा रदरफोर्ड को रदर फोर्ड और रदरफोर्ड ने नाइनटीन जीरो नाइन में प्रोटोन को डिस्कवर किया था स्टूडेंट ऑल दिस इज अबाउट द एक और काम करना इससे पहले जो है वो आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं पूरे -पूरे प्रॉपर्टी तो उन तमाम प्रॉपर्टीज को भी एक दशा एक दफा रीड आउट कर लेना शायद उसमें से भी कोई क्वेश्चन आपसे सब अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ दैट इज क्वांटम नंबर स्टूडेंट क्वांटम नंबर का जो टॉपिक है ये टॉपिक सिर्फ इस यूनिट का यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है यह पूरी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री क्वांटम नंबर के बगैर बिल्कुल बेफूद कोई फायदा ही नहीं क्वांटम नंबर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर की डेफिनेशन अ सेट ऑफ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज अगली बात विच डिस्क्राइब विच डिस्क्राइब डिस्क्राइब विच डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम पहले तो इतनी बात को समझो ना इस लफज के मानी क्या है ये तो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टूडेंट मैं भी आपको ना जब यह डिस्कस करूंगा तो मैं कहूंगा जी एन इज कल टू टू एल इज कल टू वन टू माइनस वन एस इज कल टू प्लस हाफ मैं मैं इस किस्म की वैल्यू यूज करूंगा तो ये मैं चार डिफरेंट वैल्यूज एक इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करूंगा तो किसी एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये फोर डिफरेंट वैल्यूज यूज होती है तो दिस वन इज सेट ऑफ फोर वैल्यूज अब एक तो बादल वैल्यू दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड दीज आर फोर इन नंबर अच्छा दूसरी बात विच डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जो एटम में इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करती है अब इसका माने क्या है? ये मेरे पास ना एटम है सपोज ये ये ऑक्सीजन का एटम है केशन दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिक्स केन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये क्या है ये ऑक्सीजन का एटम है दिस वन इज एन ऑक्सीजन एटम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज इट हैज एट इलेक्ट्रॉन्स, एट इलेक्ट्रॉन्स। अब हर ये जो आठ के आठ इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है मैं नंबर डिस्क्राइब को जानना चाहता हूं डिस्क्राइब का मान क्या है अगर आप किसी भी कंट्री में किसी सिटीजन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आ, अगर वो विलेज में रहता है तो आपको चार चीजें बतानी पड़ेंगी उसका विलेज कौन सा है पोस्ट ऑफिस कौन सा है तहसील कौन सी है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अगर वो आदमी शहर में रहता है तो आपको बताना पड़ेगा नेम ऑफ सिटी किस शहर में रहता है उसका टाउन कौन सा है टाउन में ब्लॉक कौन सा है और फिर हाउस नंबर क्या है यानी चार चीजें उस आदमी की लोकेशन को कंफर्म करती है आप एक एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना चाहते हैं ना तो आपको चार चीजें बतानी पड़ेगी पहली बात वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है वो हमें ये पहला बताएगा वो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है ये दूसरा बताएगा वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है ये तीसरा बताएगा क्या वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज कर रहे है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है ये चौथी बात बताएगी इसका मतलब है कि ये आपके पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है एट हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दूसरे इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जैसे मुख्तलिफ लोगों का जो एड्रेस है वो दूसरे से डिफर करेगा डिफर करेगा दिस वन इज द और ये जो चीजें हमें बताती है ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जो डिस्क्राइब करती है जो हमें बताती उनको हम क्या कहते हैं दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स तो किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन उसकी पोजीशन उसके बिहेवियर उसके एटीट्यूड उसको चार क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करते हैं दूसरी बात डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर क्वान्टे पहली बार बात की दूसरी डेफिनेशन सेट ऑफ निकल वैल्यू विच आर ओबेन्ड विच आर ऑबटेन्ड एज आ सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एस सी एच आर ओ डी आई एन जी आर श्रिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एक्ट यह एक नामुश्कल बात है मैं इसको पहलू तही करूंगा इससे थोड़ा सा दूर निकल जाऊंगा ये इसका हमारे पीएमसी से क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करें उसके सॉल्यूशन के नतीजे में शुरू से कोई तल्लक नहीं है, है। कि कौन सा क्वांटम नंबर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पर हासिल नहीं होता तो आंसर है स्पिन क्वांटम नंबर और बाकी तीनों क्वांटम नंबर

या शेल या सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ या या चौथी बात इनर्जी लेवल इनर्जी लेवल ये उसके बारे में बताता है ये आप लोगों के ख्याल में ये चारों बातें एक जैसी हैं मैं तो उसे बड़ा इख्त करता हूं मैं तो ऑर्बिट और शेल दोनों को अलग अलग चीजें कहता हूं मैं अलग अलग कहता हूं ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया शेल का कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर और डिराक ने दिया ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होता है सर्कुलर शेल सफेरिकल होता है सर्कुलर पाथ सर्कल सफेर साइकिल का पहिया सर्कुलर है बॉल फुटबॉल सफेरिकल है सर्कुलर टू डायमेंशनल होता है सफेद ऑर्बिट टू डायमेंशनल होता है शेल थ्री डायमेंशनल होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिट और शेल ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कांस्टेंट होती है शेल के अंदर एनर्जी वेरी करती है दोनों में से बोतबर लफज कौन सा ज्यादा वेल डिफाइंड लफज कौन सा है कौन वाज है शेल अगर आप हाई लेवल केमिस्ट्री पढ़े ना बुक्स पढ़े तो वो शेल ऑर्बिट की बात ही कोई नहीं करते वो कौन सी टर्म यूज करते हैं इनर्जी लेवल फर्स्ट एनर्जी लेवल सेकंड एनर्जी लेवल थर्ड एनर्जी लेवल लेकिन मैं ना मैं आपके लेवल पे रह के शेल भी बोलूंगा ऑर्बिट भी बोलूंगा इनर्जी लेवल भी शाजो नात्र बोल दूंगा अब आगे बढ़ते हैं ये जो ये ऑर्बिट या शेल एन की वैल्यू पहले पहले आप इसकी तरफ आ जाओ एन जो है ना ये वन टू थ्री फोर अप टू इंफिनिटी एन की वैल्यू अगर एन वन होगा तो हम इसे तो हम इसे शेल एन थ्री होगा तो हम इसे कहते हैं एम शेल एन फोर होगा तो हम इसे क्या कहते वन टू थ्री ऑर्बिट कह लो एन वन फर्स्ट ऑर्बिट एन टू सेकेंड ऑर्बिट शेल कहना तो के एलेवन कहना पड़ेगा एक और वो नुकता में यहां पर बता के फिर आगे में बढ़ूंगा ये ऑर्बिट या शैल जिसे हम कह रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है ये कहां से ये कॉन्सेप्ट आया स्टूडेंट्स आपके पास ना आपके पास ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आज हमें इसकी बड़ी जरूरत पड़नी है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर ये लाइन आती है ये लाइन This line is called spectral, spectral line. A core spectral line, a core spectral line, a core spectral line, a core spectral, spectral line. These are spectral lines. A group of spectral lines called spectral, spectral series. A spectral line and group of spectral line that is called spectral series. Similarly,

आपको सिर्फ ये नजर आएंगी बिकॉज दी दे लाइन लाइन विजिबल रीजन हम इन्हें कहते हैं बाम, इस सीरीज को कहते हैं बामर सीरीज ये ऊपर वाली से हम कहते हैं लाइमेन सीरीज ये लाइमेन लाइमेन बामर पास्टन ब्रैकेट पी फंड असल नुकते की तरफ हो ना शेल ऑर्बिट इनको कॉन्सेप्ट कहां से आता है बेटा जी स्पेक्ट्रल लाइन कब बनती है स्पेक्ट्रल लाइन तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप लगा के दूसरे ऑर्बिट में आता है तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है तो वह करता है या करता है उस एनर्जी एमिशन या याब्सॉर्बेशन की वजह से ये आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन बनती है इसका मतलब हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट शेल इट ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेक्ट्रल लाइन ये स्पेक्ट्रल लाइन और एक और भी बात याद रखना अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा एनर्जी करेगा ये स्पेक्ट्रल लाइन ब्राइट होगी अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस सूरत में प्रिंसिपल क्वान्टंबरेशन आपको बताता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन बहुत सारी है नंबर वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें रेडियस रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑर्बिट इसके बारे में बताता है और आपके अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो आपके पास आता है पॉइंट फाइव में ये रेडियोसोफे ऑर्बिट रेडियोसोफे ऑर्बिट एन पॉइंट फाइव टू नाइन एनस्टम इन टू ये ये मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहा हूं बार बार मैं कह रहा हूं ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये हाइड्रोजन का एटम है ये फर्स्ट ऑर्बिट है एन इज कल टू वन

अगर आप आर टू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप एन की जगह पर टू लिखे टू टूर फोर आप फोर को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आएगा मतलब ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम में जो सेकंड ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से टू पॉइंट वन वन एंस्टम पे है या मैं यूं भी कह सकता हूं कि सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट की निस्पत चार गुना दूर है थर्ड ऑर्बिट यहां थ्री लगा दो एंड सो ऑन दूसरी बात नंबर टू नंबर टू है इनर्जी ऑफ अलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट यहां भी फॉर्मूला मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा तो इनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट दैट इज कर टू माइनस थर्टीन थर्टीन पॉइंट थ्री वन फाइव ओवर एम स्केर किलो जाउल पर मोल अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो सेकंड ऑर्बिट है इसमें यह जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है यानी ई टू जानना चाहते हैं तो आप इसे लेकिन ये हाइड्रोजन बार बार इस बात ये ये आप इसका यूज कर रहे हैं। आप एन की जगह पर क्या लिखोगे टू टू आर फोर ये एन क्या है एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से आप ये बात करें नंबर थ्री तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है कि साइज ऑफ एन ऑर्बिट ऑर्बिट डायरेक्टली proportional टू एन क्या मतलब इस बात का इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस है यह फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी एन की वैल्यू वन है इसका साइज छोटा है ये सेकंड ऑर्बिट है ये सेकंड ऑर्बिट मैं मैं इसका साइज बड़ा बना रहा हूं ये सेकंड ऑर्बिट है इसकी एन की वैल्यू क्या है टू है ये थर्ड ऑर्बिट है इसकी एन की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट है इसकी एन की वैल्यू क्या है इसके एन की वैल्यू है थ्री ये फोर्थ ऑर्बिट है फोर्थ ऑर्बिट सो थर्ड ऑर्बिट को थोड़ा सा ओवरलैप करता है इस फोर्थ ऑर्बिट ये चारों तरफ इसको सर्कल बना दे इसके एन की वैल्यू क्या आ गई फोर है मतलब जितना एन की वैल्यू बढ़ती है उतना ऑर्बिट का साइज भी इंक्रीज करता है और होना भी चाहिए क्यों होना चाहिए वो अगले पॉइंट पे आते हो नंबर फोर नंबर फोर बहुत इंपॉर्टेंट मैं बार बार आपसे पूछूंगा नंबर फोर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स उनकी तादाद उसके लिए भी है फार्मूला टू एन फार्मूला हेल्प टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट सपोज मेरे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट है द फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड शेल ये शेल है मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहता हूं एन की जगह पे वन लिखो तो आपके पास वन वन का स्क्वायर स्कूर इसका मतलब है फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट ऑर्बिट इट कैन अकामोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक आ जाए दो आ जाए तीन नहीं आ सकते दूसरी बात एन इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एलशन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकामोडेट एल्शन आप यहां पर फोर टू जार एट इसमें एट इलेक्ट्रॉन आ गए तीसरी बात एनजगल टू थ्री के ये एम शेल आ गया अब एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अब यहां थ्री थ्री जर नाइन टू जार एटीन एटीन इलेक्ट्रॉन एन एजल टू फोर जिसे आप एम शेल कहते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं यूज करो थर्टी टू इलेक्ट्रॉन मैंने एक बात आपसे की मैंने कहा कि जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है ऑर्बिट का साइज भी बढ़ता है ये ऑर्बिट का साइज बढ़ता है और मैंने फिर एंड पे क्या कहा था ये बढ़ना भी चाहिए क्यों बढ़ना चाहिए इस फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए लेस स्पेस चाहिए इसमें आठ इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो साफ दिन उनके दरमियान रिपल्शन बढ़ेगी और रिपल्शन बढ़ने के लिए उन इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए और जब इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए जब इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बढ़ते जाएंगे डेफिनेटली वैसे वैसे ऑर्बिट का साइज भी बढ़ता जाएगा एक और बड़ी खूबसूरत बात और वो बता क्या वो बात यह है कि मैंने आपको ना इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं हम कहते हैं जी नंबर ऑफ शेल्स नंबर ऑफ शेल्स ये बड़ी अहम बात है दैट इज कल तो टू पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट जितने किसी जितने किसी एलिमेंट में शेल्स होंगे उतना उसका पीरियड होगा यानी सोडियम की बात कर ले सोडियम सोडियम का अटोमिक नंबर मैं एन की बात कर रहा हूं सोडियम का अटोमिक नंबर अलेवन के में टू एल में एट और एम में वन केम शेल ये, ये के शेल। इसका मतलब है कि सोडियम के टोटल कितने शेल्स है तीन सोडियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर थ्री अब ये, ये वाले जो शेल्स हैं या ऑर्बिट हैं ये हमें कौन बता रहा है ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है तो इसका मतलब है, प्रिंसिपल किसी भी एलिमेंट का करने में प्रिंसिपल पी और और एल मैंने कहा जैसे हम कहते हैं ना कॉलेज का प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ये भी बाकी चारों तीनों क्वांटम नंबर का बाप है बाकी तीनों क्वांटम नंबर इससे ओरिजिनेट होते इससे ही निकलते हैं पी एल ई नहीं है उसूल नहीं है पी एएल है इसमें आप गलती नहीं करेंगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ दैट इज एजी म्यूथल क्वांटम नंबर स्टूडेंट नंबर टू पे हम आते हैं नंबर टू नंबर टू पे हम आते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर नंबर टू ए जेड आई एम यू टी एच एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एज्यूथल क्वांटम नंबर ये जो एज्यूथल क्वांटम नंबर है इसके और भी दो नाम हैं हम इसे हम इसे एंगुलर एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं हम इसे सबसिडरी सबसिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इसको हम समाल एल से रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी बात ये हमें किसका कॉन्सेप्ट देता है एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स का कॉन्सेप्ट देता है सब शेल्स आप सब शेल्स कह लो आप सब इनर्जी लेवल कह लो सब इनर्जी लेवल ये हमें इनका कॉन्सेप्ट देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स का ये सब शेल्स का शेल्स को हमने इनर्जी लेवल का इधर हम सब शेल को क्या कह रहे हैं सब इनर्जी लेवल सब सब की टर्म इस्तेमाल को स्टूडेंट अब इसका अब मैं पहले इसकी वैल्यू लिख दू इसकी वैल्यू जो है ना वो एल दैट इज कल टू जीरो वैल्यू बात थी मैं जरा आपको बताऊंगा ये एज ए म्यूथल क्वांटम नंबर यानी सब शेल सब शेल का कॉन्सेप्ट कहां से आया जरा तवजा से देखना हमने इसको पढ़ा ये जो हमने पढ़ा है ना इसमें ये थी एच अल्फा जब हम ह्यूमन नेकेड आई से देखेंगे तो हमें ये एक लाइन नजर आएगी लेकिन अगर आप इसी स्पेक्ट्रोमीटर को स्पेक्ट्रम को आप हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखोगे ना तो ये ये जो लाइन है ये फाइव कंपोनेंट लाइन में कंपोनेंट लाइन में डिवाइड होती नजर आती है ये एक नहीं है ये पांच लाइंस का मजमुआ है इन लाइंस को हम क्या कहते हैं हम इन्हें कहते हैं मल्टीपल स्ट्रक्चर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हम इन्हें कहते हैं हम इन्हें कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर्स, ये फाइन तो ये जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है ना या फाइन स्ट्रक्चर है दे एक्चुअली गिव अस आइडिया ऑफ सब एक ये एक ये रोड है सड़क है ये सड़क है ये सड़क है ये, सड़क है, ये, सड़क है, ये रोड है अब इस सड़क के अंदर ये मुख्तलिफ लेन्स बनी होती हैं जिनमें गाड़ियां मूव करती हैं इसे कहते हैं लेन ये लेन है जिसमें गाड़ियां मूव करती तो ये जो सड़क है ये ऑर्बिट है ये शेल है और ये जो बीच में लेन्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं सब शेल अब किस सड़क में कितनी लेन्स है वो डिपेंड करता है कि उसकी यूटिलिटी कितनी है बाज सड़क उसमें कोई लेन नहीं होती यानी वो रोड नो लेन यानी बाज ऑर्बिट जिसमें सिर्फ एक ही सबसेल होता है बाज सड़के जिनमें दो लेन्स बनी होती है बीच में ना वो वाइट ब्रोकन लेंस रखी होती है इसका मतलब हुआ सड़क दो लेस यानी बाज ऑर्बिट जिसमें दो शेल हैं बाज ऑर्बिट जिसमें तीन शेल है बाज ऑर्बिट जिसमें फोर शेल्स है तो ये तो सब शेल बाज ऑर्बिट सब शेल की बात कर लो सब शेल का कौन दे रहा है मल्टीपल स्ट्रक्चर फाइन स्ट्रक्चर अब अगली बात हम तो सब शेल पढ़ते हैं एसपीडीएफ वो तो यहां से हो रहा है ये जो जीरो है अगर एल की वैल्यू जीरो होगी ये वाली दैट इज एस सब शेल यही बातें बार बार पूछी जाती अगर एल की वैल्यू वन होगी दैट इज पी सब शेल तीसरी बात अगर एल की वैल्यू एल की वैल्यू टू होगी ये तो दैट इज डी सब शेल अगर एल की वैल्यू एल की वैल्यू थ्री होगी दैट इज एफ सब शेल F तो आपके पास ये फोर सब शेल है एस पी डी एफ हर एक सब शेल के लिए एलक्यू क्या वैल्यू होगी दिस वन इज द एम ये क्यू रस में पूछा जाता है अब ये एज ए म्यूचुअल नंबर है इसकी भी एप्लीकेशन है इसकी पहली एप्लीकेशन नंबर वन नंबर वन है नंबर ऑफ नंबर ऑफ सब शेल सब शेल एक शल में सब शैल कितने हैं एक शल में एक ऑर्बिट में एक ऑर्बिट में सब शेल कितने हैं बड़ा आसान तरीका अब ये देखो आपके पास फर्स्ट uh, शेल है शेल की बात करो शेल जिसे हम कहते हैं एन टू वन अब केशल इसके सब शेल कितने हैं तो आप शेल के लिए एल की वैल्यू देख लो एल की क्या वैल्यू है यहां शेल के लिए एन क्या होता है वन यहां मानपुट करो 1 1 दैट इज इक्वल टू 0 तो l तो की वैल्यू क्या आएगी 0 तो k के, केシャル के लिए l की वैल्यू 0 और जब l की वैल्यू 0 आती है तो उसे हम क्या कहते हैं अगर l 0 होगा तो दैट इज कॉल्ड एस सबशेल तो एस सबशेल ये पहली बात आ गई अब एक और बड़ा नुक्ता है मैं ना s के साथ 1 लिखूंगा ये 1 क्या बताता है 1 बताता है कि इस एस सबशेल का तलक फर्स्ट ऑर्बिट से है ये 1 ये नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं, ये एस ये सब शेल है और एस के लिए एल की वैल्यू क्या है जीरो है तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में के शेल में सिर्फ एक सब शेल है और वो कौन सा है एस सब शेल दूसरी बात मेरे पास के के बाद एल शेल आ गया अब मैं जानना चाहता हूं कि एल शेल में कितने सब शेल होते हैं एल शेल के लिए एन की वैल्यू टू है यहां टू पुट करो टू माइनस वन तो एल की वैल्यू क्या है एल की वैल्यू वन तक है वन तक है वन है नहीं है वन तक है वन तक का मतलब क्या है एल की वैल्यू जीरो भी है एल की वैल्यू वन भी है जब एल जीरो होगा तो इसे हम क्या कहेंगे S सब और अगर एल वन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे अगर एल वन होगा तो इसे पी सब तो इसे हम पी सब कहेंगे। मैं इस एस के साथ भी टू लिखता हूं मैं पी के साथ भी टू लिखता हूं मतलब मतलब ये ये एस और ये पी बिलोंग टू सेकेंड ऑर्बिट दे बिलोंग टू एलश तो आगे बढ़ते हैं मेरे पास के एल और इसके बाद क्या एम मेरे पास एम शेल आ गया एम शेलिए वैल्यू थ्री है यहां थ्री पुट करो थ्री माइनस वन दैन टू टू तो एल की वैल्यू टू तक है

थर्ड बिल्कुल इसी तरह एक आखिरी बात अगर मैं एन शेल की बात करूं एन शेल, एन शेल के लिए एन की वैल्यू फोर आ गई अब यहां फोर पुट करो फोर माइनस वन दैट इज कल टू थ्री तो एल की वैल्यू थ्री तक है थ्री तक है आपसे क्वेश्चन आए कि बताएं अगर एन की वैल्यू फोर हो तो एल की कितनी वैल्यूज आएंगी तो एल की वैल्यूज आएंगी एक दो तीन चार फोर आएंगी एल की वैल्यू जीरो भी आएगी एल की वैल्यू वन भी आएगी एल की वैल्यू टू भी आएगी एल की वैल्यू थ्री भी आएगी जब एल जीरो आता है तो एस वन आता है तो पी टू आता है तो डी थ्री आता है तो एफ और इनके साथ मैं क्या लिखूंगा फोर 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 ये सारे सब्शल अब सारी बात को इकट्ठा करो ना फर्स्ट ऑर्बिट एक सब्शल सेकंड ऑर्बिट दो सबशेल थर्ड ऑर्बिट तीन सबशेल फोर्थ ऑर्बिट फोर सबशेल तो जितना जितना किसी शेल की एन की वैल्यू होगी उतने उसमें सबशेल होंगे इसकी एन की वैल्यू टू इसमें दो सबशेल इसकी सब्शेल की एन की वैल्यू फोर इसमें चार सबशेल तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन दैट इज कल टू नंबर ऑफ सब्शल्स एक और बड़ी अहम बात वो भी एमसीक्यू है स्टूडेंटर गौर से देखना आपने S को वन से शुरू किया आपने P को टू से शुरू किया आपने D को थ्री से शुरू किया आपने F को फोर से शुरू किया इसका मतलब है टू पी एग्जिस्ट लेकिन वन पी एग्जिस्ट नहीं करता टू पी थ्री पी फोर पी वो एग्जिस्ट करते अब D की बात करो थ्री डी एग्जिस्ट करता है थ्री डी टू डी वन डी एग्जिस्ट नहीं करते फोर एफ पे आ जाओ क्या वन फोर एफ ये एग्जिस्ट करेगा क्या वन एफ एग्जिस्ट करेगा नो टू एफ एग्जिस्ट करेगा नो थ्री एफ एग्जिस्ट करेगा नो no. वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वन एस टू पी थ्री डी फोर एफ आपने देख रहे हैं कौन सा सब शैल किस क्वांटम नंबर के किस ऑर्बिट से किस शेल में शुरू हो रहा है ये आपके पास चीजें आ जाए दूसरा पॉइंट जो मैं आपके तरफ नंबर टू पे शेप्स ऑफ शेप्स ऑफ सब शेल हम ना एक सब शेल्स या बाजफे में ऑर्बिटल भी कहते हैं वो आगे मैं आपको बताता हूं अभी सब शेल्स आपके पास एक सब कौन है एस सब दूसरी बात आपके पास पी सब शेल्स आपके पास डी डी सब शेल मैं डी यहां पे लिख देता हूं डी सब एंड यू हैव एफ एफ सब शेल हम क्या जानना चाह रहे हैं हम इनकी शेप जानना चाह रहे आप ना एस सबसेल को देखो ये ये न्यूक्लियस इसके ये ये है ये न्यूक्लियस बिल्कुल बिल्कुल ये ये आपके पास एस सब शैल है शेप क्या है सफेरिकली सफेरिकली समिट्रिकल सिमिट्रिकल द शेप ऑफ एस सब शैल इज सफेरिकली समिट्रिकल दोनों अल्फाज को समझो ये एंटी टेस्ट है एफ एस नहीं है रट्टा लगा लिया आगे निकल गए समझो सफेरिकली यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सफेर में मूव करते हैं मैंने तो ये सफेर नहीं बनाया मैंने तो सर्कल बना दिया हां मैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस जब मैं सी एक्सिस शो करता हूं मेंशन करता हूं अब इसको मैंने क्या है? शो कर दिया सफेद सिमेट्रिकल मिटिकल जिसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके यहां सेमिटिकल से मुराद है कि न्यूक्लियस के गिद इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है न्यूक्लियस के गिद इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी चारों तरफ से थ्री डायमेंशनली यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है दिस वन इज द एसन पी सब्शन पी सब्शन के लिए ये एक डंबल ये ये ये, ये दूसरा डंबल ये तीसरा डम्बल तो ओवरऑल अगर आप पीस पीस ऑफ शेल को देखेंगे तो इसकी शेप क्या है डी यू एम बी बेल डम्बल ये एक डम्बल है वो एक्सरसाइज के लिए जो हम यूज करते हैं इट हैज टू लोब्स ये लोब्स हैं ये लोब्स हैं अ डम्बल हैज टू लोब्स एंड दीज लोब्स आर एग शेप्ड ये एग शेप लोब हैं डी शेल पर चले जाओ डी शेल ना डबल डंबल होता है ये ये न्यूक्लियस, डबल डंबल होता है, इस तरह भी इलेक्ट्रॉन यू भी ये इलेक्ट्रॉन की मोशन शो करते हैं हमारी बुक कहती है इस वन इस शेप मैं कहता, ये सासेज सगार को कहते हैं, वो जिसमें टोबैको फिल शेप इज कॉम्प्लिकेटेड ये कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो मैंने आपको शेप्स ऑफ सबशेल बताई तीसरी बात तीसरा नुक्ता। नंबर थ्री नंबर थ्री पर स्टूडेंट हम एक खास तीन पॉइंट पढ़ेंगे नंबर थ्री पे और वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल सब में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद जानने का फॉर्मूला टू एंड स्केयर याद रखना है ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल के लिए जो फार्मूला है दैट इज टू टू जर फोर फोर एल प्लस टू वन जर टू टू तो दोनों में से जैसे बरसी आप लिख लो अब आपकी सबसेल की बात कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं S में इलेक्ट्रॉन पी में इलेक्ट्रॉन डी में इलेक्ट्रॉन एफ में ये सब है अच्छा क्या एसपीडीएफ नहीं आगे भी एसपीडीएफ जी एच आई जितने आपको अल्फाबेट आते हैं उतने बोल लो तो फिर आप सिर्फ एफ तक जाके ब्रेक क्यों लगा देते भाई जितने भी एलिमेंट आप तक डिस्कवर हैं उनमें सब तक ही इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन होती है हाँ इन फ्यूचर और ज्यादा अटोमिक नंबर वाले अगर एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे या इन्वेंट होते जाएंगे तो साफ इससे मजीद आगे एफ के बाद जी सब चल एच सब शल उनकी भी बारी आ सकती है फिलहाल तो इतनी है इन सब शेल में कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं जरा इसको देखना इसके लिए ना मैं एस सब शेल की बात कर रहा हूं जो एस सब शेल है ना बेटा जी एस सब शेल इसके लिए आप एल की वैल्यू देखो एल की वैल्यू है जीरो यहां जीरो पुट करो दोनों में से जो मर्जी यूज कर लो यहां यहां जीरो पुट करो फोर जीरो 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 प्लस टू दैट इज कल टू टू तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दो मैक्सिमम दो आ सकते हैं One भी आ सकता है यानी एस में वन टू मैक्सिमम या एक आ जाए या दो आ जाए दूसरी बात पी सब अब युद्ध पी तो सब्शल है ना इसमें इसके लिए आपको एल की वैल्यू आनी चाहिए मैक्सिम सिक्स मैक्सिमम पांच आ सकते चार तीन दो यस सेवन इलेक्ट्रॉन नो मैक्सिमम सिक्स यानी इसमें फिर वन से लेकर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं सिक्स यू हैव द डी डी के लिए एल की वैल्यू क्या आ गई टू अब यहां टू पुट करो फोर टू दर एट पर टू टेन इसका मतलब है इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम टेन यानी वन से लेकर टेन तक इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अलेवन नहीं आ सकते नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू ये आ सकते हैं अब आ जाए एफ सबसे

स्टूडेंट अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम इसको हम एक और नाम भी देते हैं हम इसे हम इसे स्पेशियल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर ये हमें ना ये हमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देता है ऑर्बिटल ऑर्बिटल का कांसेप्ट है और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ना ये जीमैन जीमैन इफेक्ट से आता है आपने जीमैन इफेक्ट पढ़ा हुआ है कि जब आप एक्साइटेड एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट होकर क्लोजली स्पेस लाइन में कन्वर्ट होती है वो जो स्पेक्ट्रल लाइन का क्लोजली स्पेसड लाइन में कन्वर्ट होना मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखने पर दे आर एक्चुअली द ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल से Uh, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू जो है वो जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो so ऑन इसकी वैल्यू हम ना एंटीटस की तरफ आते हैं ये तो एफ एस सी हो गया ना एंटीटस की तरफ आते मैं आपको ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके एप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं पहली बार। पहली बार, आ, नंबर वन पहली बात पहली बात नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल ऑफ अ सब शब सबशेल कह या ऑफ सबशेल सबसे ये पहली बात नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल। एक सबशेल कितनी स्पेशल ओरिएंटेशन अज्यूम करता है इसका। इसके लिए ना हमारे पास ये फॉर्मूला है एम दैट इज कल टू टू एल प्लस वन

क्या करेंगे आप एल की जगह पे जीरो पुट करेंगे टू जीरो जीरो प्लस वन इसका मतलब है इसके लिए सब शेल के लिए एम की वैल्यू एक आती है एक आती है और वो जो वैल्यू आती है वो जीरो है वो जीरो है यानी एस ओनली हैज ओनली वन स्पेशियल ओरिएंटेशन इन अदर वर्ड वी कैन से एस सब शेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल वो कैसे देखो ये मेरे पास है न्यूक्लियस ये ये एसअब सेल सफेरिकली समेट्रिकल सफेट्रिकली समेट्रिकल जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते इन द एब्सेंस ऑफ तो मैग्नेटिक फील्ड दिस इज सफेरिकली सिमिट्रिकल जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखने अगेन दिस वन सफेरिकली सिमिट्रिकल इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखने पर एसअबल सिर्फ एक स्पेशल ओरिएंटेशन रखता है एंड दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल और ये आपके पास आ गया एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। अब दूसरी तरफ आ जाओ यू हैव p सबशेल, आपके पास पी सब है आप जानते हैं पी के लिए एल की वैल्यू जो है वो वन है, अब मैं जानना चाहता हूं कि जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो पी सब है ये कितनी स्पेशियल अज्यूम करता है उसके लिए ना आप इसकी यूज करें आप एल की जगह पे वन पुट करें टू 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 प्लस वन थ्री इसका मतलब है M की वैल्यू तीन आएगी एम की वैल्यू तीन ही आएगी एम की तीन मुख्तलि वैल्यूज आएंगी और जो एम की वो वैल्यूज आएंगी ना वो है माइनस वन जीरो और प्लस वन इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखने पर पी सब्सल तीन स्पेशियल ओरिएटल्स रखता है जरा बात को समझना वो कैसे देखो मैंने आपको ना पीछे पढ़ाया जब मैं आपको एजब्यूथन क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि ये न्यूक्लियस है एक डंबल ये मैंने रेड मार्कर से शो किया दूसरा डंबल ये तीसरा, तीसरा 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 डंबल ये ये है पी सब शेल ये है इन द एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये थ्री फोल्ड डी है दिस वन इज कार्ड थ्री फोल्ड डी तीन ऑर्बिटल तीन डंबल एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे अब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखें जो ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ये ये न्यूक्लियस एक जो है ना एक वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला गया ये वाला एक वो वाई एक्सिस के लॉन्ग चला गया ये और थर्ड वन वो जी एक्सेस के लॉन्ग चला गया ये, ये इसका मतलब अब ये लोब्स जो है इसको हम कहेंगे पीएक्स इसे कहेंगे पी वाई इसे हम कहेंगे पी जी ये जो पी एक्स है ये जो पी वाई है और ये जो पी जी है ये पी एक्स ये पी वाई ये पी जी ये जो पी एक्स है ये जो पी वाई है ये पी जो पी जी है दीज आर ऑर्बिटल्स इसका मतलब है कि पी सेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं थ्री पी सबशेल और ऑर्बिटल कौन से होंगे px px py एंड pz ये हैं ऑर्बिटल्स और आपके पास सबशेल कौन सा है पी सबशेल अब आगे बढ़ते हैं मेरे पास है एक और और वो है डी डी सबशेल और मैं चाहता हूं ये जो डी सबशेल है डी सबशेल के लिए एनर्जी वैल्यू आपको पता है टू होती है अब मैं इसके स्पेशल ओरिएंटेशन ऑर्बिटल जानना चाहता हूं आप क्या काम करो आप ना आप इसकी वैल्यू यहां पुट करो टू टू दर फोर वो प्लस वन फाइव इसका मतलब वैल्यूज आती हैं माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस प्लस पता है कि डी के पांच आती हैं इसमें डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स डी डी एक्स स्केर माइनस वाई स्केयर

प्लस टू प्लस वन जीरो सॉरी यहां पे मैं माइनस ले देता हूं माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री ये जो मैंने लिखी है ये क्या है दीज आर ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स फिलहाल इतनी बात को समराइज करो ये जो मैंने की है इस बात को समराइज करें तो बहुत सिंपल यानी समराइज करें तो हम क्या कहेंगे आपके पास सब शैल्स सबशेल और उसके ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। बिटल्स सबसेल कौन सा एस ऑर्बिटल एक है उसका नाम भी एस सबसेल कौन सा पी ऑर्बिटल तीन पी एक्स पी वाई पी जी सबसेल है आपके पास डी ऑर्बिटल पांच डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स ये मैंने लिखे हैं और आखिरी डी एक्सकेर माइनस वाई स्केयर और डी जी स्केयर और इस तरह सब शेल है एफ एंड दैट हैज द सेवन ऑर्बिटल्स इसके सात ऑर्बिटल्स है यह मेरी ना यह मेरी पहली गुफ्तु हो गई जिसमें मैं आपको बताया कि किस सब शैल में कितने ऑर्बिटल्स हैं दूसरी बात नंबर टू नंबर टू मेरे पास है नंबर टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट बड़ी खूबसूरत बात इन एन ऑर्बिट ऑर्बिट कह लो या शैल कह लो किसी ऑर्बिट या शैल में कितने ऑर्बिटल हैं यानी आपके पास ना के शेल है के शैल जिसके लिए एन की वैल्यू वन है जिसे हम फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं आपके पास एल शेल है जिसके लिए एन की वैल्यू टू है आपके पास एम शेल है जिसके लिए एन की वैल्यू थ्री है आपके पास एम शेल है जिसके लिए एन की वैल्यू जो है वो फोर है ये आपके पास मोस्ट फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड, थर्ड फोर्थ हर ऑर्बिट में हर ऑर्बिट orbit में ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो किसी ऑर्बिट orbit में ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी है इसके लिए वेरी सिंपल वी हैव द फॉर्मूला टू वी हैव द फॉर्मूला एनस्केर एन एनस्केर हमें बताता है कि किस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं मैं फर्स्ट ऑर्बिट में जानना चाहता अब एन की वैल्यू वन वन का स्क्वायर वन इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ऑर्बिटल है और वो एस है सेकंड ऑर्बिट दैट इज के एल शेल एन की टू आर फोर इसका मतलब है सेकंड ऑर्बिट में फोर ऑर्बिटल्स है फोर ऑर्बिटल्स एक एस है पी एक्स पी वाई तो टोटल आपके पास ये फोर ऑर्बिटल्स आ गए नेक्स्ट मूव करें आपके पास शेल कौन सा है थर्ड ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स थ्री थ्री जर नाइन इसमें नौ है ए एस का एक एस का एक पी के तीन और डी के पांच इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा नाइन फोर्थ ऑर्बिट शेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फोर फोर जर सिक्सटीन सिक्सटीन है एक एस का एक पी के थ्री डी के फाइव और एफ के सेवन अगर आप इनको एड करेंगे तो यह आपके पास कितना आ जाएगा सिक्सटी तो ये फार्मूला क्या है एनस्केर ये फार्मूला है किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप मैं एक छोटी सी बात बताता चलो एक हमने पढ़ा ना टू एंडस्केयर ये और बात है ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट है ना तो ये यह एनस्केर हमें ये बताता है नंबर थ्री नंबर थ्री नंबर थ्री में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन

किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसका फॉर्मूला क्या मैं थोड़ा सा आपका ना करवा किसी भी ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसका फॉर्मूला क्या है आंसर है कोई फॉर्मूला नहीं वाई बिकॉज बिकॉज एन ऑर्बिटल ये जो मैंने सर्कल डाला ना ये एक ऑर्बिटल है बिकॉज एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन, स्पिन के साथ तो इसका मतलब है ये जो है ना एस इसमें में मैक्सिम दो पी एक्स में मैक्सिमम दो पी वाई में मैक्सिमम दो पीजी में अब एक एक बात सुनना अगर किसी ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन आए तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को और इस ऑर्बिटल को कहते हैं फील्ड ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल और अगर किसी ऑर्बिटल में किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आए तो इसको हम कहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है स्टूडेंट ऑल दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम बढ़ते हैं लास्ट क्वांटम नंबर दैट इज क्वांटम नंबर स्टूडेंट स्पिन क्वांटम नंबर को हम समाल ऐसे प्रेजेंट करते हैं और मैंने पहले भी बताया स्पिन क्वांटम नंबर का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से कोई तल्लक नहीं हां स्पिन क्वांटम नंबर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बिहेवियर उसको डिस्क्राइब जरूर करता है अच्छा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में एक छोटी छोटी सी बात यह देखो यह मेरे पास एटम है ये ये न्यूक्लियस आ गया ये मैं सपोज एक शेल बता लू सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अब यह जो इलेक्ट्रॉन है ना जब यह न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है ना तो यह इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के भी रोटेट करता है इसे कहते हैं सेल्फ रोटेशन सेल्फ रोटेशन इसको हम सेल्फ रोटेशन कहते हैं यह बिल्कुल उसी तरह है जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है ना तो जमीन सूरज के गिर्द यूं भी रिवॉल्व कर रही है और अर्थ अपने एक्सेस के गिद्ध भी रिवॉल्व करती है जिससे ये दिन रात चेंज होते हैं और सूरज के गिद्ध रिवॉल्व करने की वजह से मौसम चेंज होते हैं तो इसका मतलब है है कि इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन शो करता है। एक न्यूक्लियस के और एक अपने एक्सेस के गिद्ध गिद है दैट इज कॉल्ड द सेल्फ रोटेशन एक तो मैं छोटी सी बात आपको यह बता दी एक और बात स्टूडेंट आप ना अल्कली मेटल्स की बात कर लो मैं मैं थोड़ा सा आपको ना कॉन्टेक्स्ट बना लूं अल्कली मेटल्स और आप जानते हैं कि अल्कली मेटल जो है ना वो आपके पास है लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है एंड so सो ऑन सीजियम सीज दिफ्रेंसिप अलक्रीमेटल की खास बात है कि दे हैज वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वेलेंस शेल इनके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है अब आप काम ये करें कोई भी मेटल ले आप उसका स्पेक्ट्रम लें और उस स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व करें तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप नोट करेंगे कि जो स्पेक्टल लाइन है ना वो स्प्रिक होकर डबलेट स्ट्रक्चर में कर, डबलेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है ये डबलेट स्ट्रक्चर डबलेट स्ट्रक्चर ये वैसा नहीं है जैसा आपने मल्टीपल या फाइन स्ट्रक्चर पढ़े एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर में नहीं ये उससे मुख्तलिफ है इससे दो साइंटिस्ट आहलन बेक और गाउड उन्होंने ना ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जब इसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो सेल्फ रोटेशन शो करता है और ये जो डबलेट स्ट्रक्चर है दिस इज ड्यू टू द सेल्फ रोटेशन सेल्फ रोटेशन दैट मे बी क्लॉक वाइज दैट मे बी एंटी क्लॉक वाइज अच्छा इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ये जब मूव करता है तो ये दो तरह की रोटेशन ये क्लॉक वाइज भी शो करता है एंटी क्लॉक वाइज यानी एक ऑर्बिटल है ना एक ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं। एक क्लॉकवाइज मूव करता है एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ठीक है ना जो क्लॉकवाइज रोटेशन है क्लॉकवाइज, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं प्लस हाफ ज्यादातर बुक्स कहती है कुछ बुक्स इसको माइनस हाफ भी कह देती है तो मोस्ट बुक्स उसकी बात कर रहा हूं जिसमें हमारी बुक भी शामिल है और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है रोटेट करता है हम उसकी मोशन को कहते हैं माइनस हाफ ये जो प्लस हाफ और ये माइनस हाफ है ये क्या है दिस स्पिन क्वांटम नंबर अब आप सोडियम की बात करो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दू ये है सोडियम सोडियम का टॉमिक नंबर अलेवन आप वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई 2p z एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बता रहा हूं और 3s यू हैव टू अकोमोडेट 11 इलेक्ट्रॉन्स अब आउट ऑफ 11 2 4 5 6 7 8 9 10 11 अब 11 इलेक्ट्रॉन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं तो बेटा जी आप ना ये जो ऊपर से नीचे इन्हें क्लॉक वाइज कह लो जो नीचे से ऊपर है इन्हें एंटी क्लॉक वाइज कह लो इसका मतलब है में से जो 5 है, वो क्लॉक वाइज है तो जो सिक्स होंगे वो एंटी क्लॉक वाइज हो या उल्ट कर लो अगर फाइव जो है इनकी वैल्यू एस की हाफ होगी प्लस हाफ तो जो सिक्स है इनकी माइनस हाफ होगी इसको उलट भी कर सकते हैं यानी सिक्स जो है वो क्लॉकवाइज है और फाइव एंटी क्लॉकवाइज है एट ये हमारे इस किस्म का एमसीक्यू एक आखिर में एक छोटी सी बात फिर मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूं बात क्या है बड़ा एक क्वेश्चन एक ऑर्बिटल है एक है, PX, PY, PZ, एक ऑर्बिटल ऑर्बिटल है द केस में मैं कहता हूं दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते ये मैं कह रहा हूं अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में अकोमोडेट कैसे कर वेरी गुड क्वेश्चन इसका आंसर बहुत सिंपल है बेटा जी ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करती है जो चूंकि दोनों पे चार्ज सेम है तो सिमिलर चार्ज होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती है जिस फोर्स से रिपेल करती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अब दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये वाला ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज ये अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अब याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज इस पर है ये रोटेट कर रहा है ये मूव कर रहा है ये एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर काम करता है अब ये जो क्लॉकवाइज है इसका नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है इसका साउथ ऊपर है नॉर्थ नीचे है अब इसका मतलब क्या हुआ इस इस जो इलेक्ट्रॉन है इसका साउथ इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा इसका नॉर्थ इसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मतलब हुआ कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके दरमियान दो फोर्सेस ऑपरेट होती हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दीज टू फोर्सेज आर फोर्से इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन लिहाजा ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते और यू एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन लेकिन याद रखना एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तब ही अकोमोडेट करते हैं अगर एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ये कभी नहीं होगा ये कभी नहीं होगा कि दोनों क्लॉकवाइज हों ये कभी नहीं होगा कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो ये कभी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि यह भी पॉसिबल नहीं है यह भी पॉसिबल नहीं यह हमारे पास था स्पिन क्वांटम नंबर माय डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसपे मैंने दो चीजों पर मेन फोकस किया मैंने आपको पॉजिटिव रेज यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन यह बताया और फिर मैंने आपको क्वांटम नंबर कॉम्प्रीहेंसिवली जितनी हमें जरूरत है एंटीटास में वो मैंने आप तक पहुंचाया मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए असल वरहमत रहमतुल्लाह